नमस्कार, समाचार टाइम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं दूल्हा गया जेल। दूल्हा आया था दुल्हनिया ले जाने के लिए, लेकिन वो पहुंच गया जेल। ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि दहेज की समस्या आखिर कितनी बड़ी है भारत में। आज आप देख सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा बेटियां होती है वो चिंतित होता है कि आखिर वो दहेज के पैसे आखिर कहां से लाएगा, कहां से अपनी बेटियों को अच्छे घरों में वो शादी कर पाएगा। ऐसी ही समस्या आपको हर जगह देखने को मिलेगी और ये एक शाप से कम नहीं है। एक तरफ जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, वहीं पर आज हमारा समाज इस तरह के दहेज की चीजों से घिरा हुआ है। इस तरह के दहेज से कहीं ना कहीं हमारा समाज कुपोषित हो रहा है। इसे हम सबको मिलकर बदलना है और इसीलिए हमारा समाज जो है आज पीछे है, हमारी बेटियां आज भी पीछे हैं। ले जाऊंगा अपने लालच के कारण अब जेल में चक्की पीसेगा, इस बहादुर दुल्हन ने अपनी दूल्हे को सबक सिखा दिया। सुनिए दुल्हन की माँ का क्या कहना है। वो ऐसा ही फैसला लें कि अगर उनके माँ बाप के ऊपर जरा भी आज ससुराल वाले देते हैं तो वो कभी भी वहाँ उस घर में शादी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की एक बेटी ने आज पूरे समाज के ऊपर करारा तमाचा मारा है। आखिर क्यों क्यों दूल्हे ने जयमाला के बाद कार की डिमांड करी, जबकि कार उसको दिया जा रहा था। 6 लाख रुपए की कार उसको दी जा रही थी, लेकिन बारात का कहना था कि उन्हें अब 8 लाख रुपए की कार चाहिए। अब बताओ उस पिता पर क्या बीतेगी जिसकी बेटी की शादी होने वाली है, अब वो कहां से 2 लाख रुपए और लाएगा, कहां से वो 6 लाख वाली कार को वापस करके 8 लाख वाली कार लाएगा और अपनी बेटी को विदा करेगा। तब इस बेटी ने क्या किया दोस्तों, उस बेटी ने उस दूल्हे को जेल भिजवाया। ना सिर्फ दूल्हे को बल्कि उसके साथ और भी 5 लोगों को जेल भिजवा दी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक लालची दूल्हे को दुल्हन ने जेल भिजवाया। दरअसल ससुराल वालों ने जयमाला के बाद दहेज की मांग की, जिस पर गुस्साई दुल्हन ने ना सिर्फ शादी तोड़ी बल्कि दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज करा दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। शनिवार को शादी की रस्में निभाई जा रही थी, इसी दौरान जयमाला होने के बाद सतीश के भाई आशीष ने अचानक खाना खराब होने की बात कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। इसी बीच आशीष ने सोनाली के पिता की कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी। सोनाली ने सतीश, उसके भाई आशीष, पिता ओमकार प्रसाद के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। आज जब भारत विकास की दिशा में एक नई इबारत लिख रहा है, गांव से शहर तक रोजगार की सुविधाएं मिल रही हैं, एक तरफ जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के नौजवान दहेज की मांग करते हैं। आखिर ये समाज का दोहरा मापदंड क्यों, आखिर कब रुकेगी दहेज प्रथा, आखिर कब तक बोलियां लगाई जाएंगी कि हम इतने लेंगे तो हम इतने लेंगे, हम फला कार लेंगे तो हम ये वाला कार लेंगे। आपको बता दें कि दूल्हे को एक कार दी जा रही थी, लेकिन दूल्हे को उससे महंगी कार चाहिए थी। इसी वजह से दूल्हा और दूल्हे के जो साथ आई बारात, उन लोगों ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि लड़की के बाप के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। एक बार फिर से देखिए इस लालची दूल्हे को, जिसको अपनी मनपसंद कार चाहिए, मनपसंद बीवी नहीं। इस लालची दूल्हे ने जयमाला के बाद ही अपने मनपसंद कार की मांग कर डाली। इसके बाद दोनों ही पक्षों में तनातनी हो गई, जिसके बाद लड़के के भाई ने लड़की के बाप का कॉलर ही पकड़ लिया। इसके बाद लड़की आखिर अपने पापा की बेइज्जती भला कैसे सहती, और जो लड़का शादी में ही इस तरह से मांग कर सकता है, उसे दुल्हन से ज्यादा कार में दिलचस्पी हो, वो कल को भी दहेज की मांग कर सकता था। इसीलिए अब दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इस दूल्हे को सबक सिखाया गया और इसके साथ ही कई और लड़कों को भी इस केस ने सबक सिखा दिया कि जो लोग दहेज की मांग करेंगे उनके साथ भी उनकी दुल्हन उन्हें जेल भिजवा सकती है, उनके साथ ऐसा ही सुलूक कर सकती है। इसीलिए दुल्हन मांगो दहेज नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं,
हम बढ़ती बिजली के खिलाफ बोलते हैं, हम महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम इस दहेज रूपी जो प्रथा है उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? आखिर कब तक हमारा समाज यूं ही खामोश बैठा रहेगा और दहेज की प्रथा यूं ही फलती फूलती रहेगी? आखिर कब तक हम दहेज के नाम पर जुल्म करते रहेंगे? आखिर कब तक बेटियां बोझ बनती रहेंगी? आखिर कब तक? आप जरा सोचिए, अपने समाज को बदलने के लिए कोई बाहर से शक्तिमान नहीं आएगा, आपको ही शक्तिमान बनना पड़ेगा और इस समाज को, इस दहेज रूपी प्रथा को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर आप बदलेंगे तो समाज बदले। हम इस लड़की के जज्बे को सलाम करते हैं कि उसने लालचियों को जेल पहुंचाया। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। समय के साथ चलने के लिए आप देखते रहिए समाचार टाइम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।